देश के शिक्षा स्वराज को स्थापित करने के लिए स्वराज अभियान के निमंत्रण पर आए हुए देश के कोने कोने से पहुंचे हुए विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को हम सब सलाम करना चाहते हैं। आज देश में जिस बात की सबसे बड़ी जरूरत है वो है देश के भविष्य की रक्षा करना, उसको बनाना। और उसका एक ही रास्ता है, दुनिया में भी एक ही रास्ता है, और वो है नई पीढ़ी के लिए शिक्षा का अच्छा और सच्चा इंतजाम करना। लेकिन अफसोस की बात है कि और सब बातों पर बहस हो रही है, शिक्षा को सरकारी महकमे में एक तरह से उपेक्षित रखा गया जिसकी चर्चा आपने की। दूसरी उससे भी बड़ी चिंता की बात है कि हमारे स्वाधीनता सेनानियों की वजह से, समाज सुधारकों की वजह से शिक्षा की कीमत को समाज ने समझ लिया है, शिक्षा की भूख जग चुकी है। लेकिन उस भूख के समाधान के लिए हमने शिक्षा को बाजार में बदल दिया है, और शिक्षा की भूख पूरी करने के लिए माता पिता अपनी हर ताकत लगा रहे हैं, बेटियों को भेज रहे हैं, गरीब अपने पेट पर तवा बांध करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब मुनाफे के धंधे में बदलने का एक षड्यंत्र चल रहा है, इसकी चर्चा आपने आज की। इससे निकला कैसे जाए? जिसके पांव में दर्द है वही दवा मांगेगा, मांगेगी। और ये बहुत अच्छा हुआ, शिक्षा स्वराज को बधाई। अभी सुबह से अभी तक डॉक्टर धर्मवीर गांधी जैसे मार्गदर्शकों की बात सुनने के बाद, प्रोफेसर चमनलाल जैसे शिक्षाविदों को बुलाने के बाद, भाई बलवीर सिंह जी के जैसे समाज सुधारकों को शुरू में आशीर्वाद के लिए बुलाने के बाद आपने खुली पंचायत की। बहुत दिनों बाद इस भावनगर हॉल में जहां रोज एक दो तीन चार सम्मेलन होते हैं, मेरी जानकारी में पिछले कई बरस में पहली बार मानवोत्तर हाल में हिंदुस्तान की जवानी की आवाज गूंजी है, और इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। देश की संसद में शिक्षा पर बहस बंद हो चुकी है, और शिक्षा मंत्रालय ऐसे लोगों की लगाम में आ गया है जिनका शिक्षा को छोड़ के बाकी हर चीज से रिश्ता है। इसीलिए अधमन लोग जिनको पढ़ने का अवकाश नहीं मिला या पढ़ने का शौक नहीं था, आज वो शिक्षा की लगाम अपने हाथ में लेकर के देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और इसको कहते हैं बंदर के हाथ में तलवार दे देना, और बंदर भी देश की नाक काटने का कोशिश कर रहा है। तो बंदर है कि बंदर नहीं, याद जानेंगे। थोड़ी दूर पर शिक्षा मंत्रालय है। आज शाम को रोशनी दिखाने के लिए अंधेरे में डूब चुके शिक्षा प्रबंधन को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जगाने के लिए आप सब निकलने वाले हैं। तो अभी जो बात हुई है जिसमें से रास्ता निकालना है, उससे कुछ मोटे बिंदु क्या बने, उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कई समाधान के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। देश में शिक्षा का आग्रह बन चुका है, ये देश की सफलता है। वरना पहले तो लोग यही कहते थे ना कि ये क्या पढ़ के कलेक्टर बनेंगे, चलो फल पकड़ो, जाओ खाए का दूध निकालो, जाओ चूल्हे में रोटी बनाना सीखो। लेकिन आज शिक्षा के बारे में एक जनतांत्रिक मान्यता बन चुकी है कि जिसको आपने नहीं पढ़ाया उसका भविष्य आपने बर्बाद कर दिया, और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा माँ बाप पर पड़ती है। और उसके बाद से शिक्षा के विकास का आंदोलन भी आगे बढ़ा है। इसलिए आंदोलन के लिए आगे आ चुके विद्यार्थियों से हम कहना चाहेंगे कि निराशा का माहौल तो है, लेकिन ये समझ लेना कि पिछले 7 साल में जब तक नौजवानों ने अभिभावकों के आशीर्वाद से, शिक्षकों की सहानुभूति से और आप लोगों के सहयोग से बदलाव के लिए आगाही दी है, तब तक शिक्षा में परिवर्तन आया है। आज से 40 साल पहले भाषा का माध्यम
कारण लड़के लड़कियां सुसाइड करते थे, अंग्रेजी की अनिवार्यता हट चुकी है। उसके बाद शिक्षा में दरवाजों को बड़ा करने का आंदोलन चला और हम लोगों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे निस्वार्थ निर्मल राष्ट्र निर्माता का आशीर्वाद मिला और वो नारा आकाश से जब नौजवानों ने उछाला, खुला दाखिला सस्ती शिक्षा लोकतंत्र की यही परीक्षा, तो सारे देश में उसकी गूंज हुई और उसके बाद विश्वविद्यालयों का कॉलेजों का पढ़ना शुरू हुआ। लेकिन बीच में मुनाफा खोर आ गए, वर्ल्ड बैंक आ गया, नई आर्थिक नीति आ गई, मनमोहन सिंह सरकार आ गई जिसने शिक्षा को व्यवसायीकरण की तरफ कर दिया और आज जो राजनीति में सफल है उनके लिए शिक्षा एक धंधा है, जो राजनीति में असफल हो जाते हैं शिक्षा उसके लिए और बड़ा धंधा हो जाता है। बेईमान नौकरशाह, बदनीयत नेता और काले धन के पूंजीपति ये तीनों लेकर के हिंदुस्तान की शिक्षा का दोहन कर रहे हैं और जैसे माता का दूध बच्चे को बड़ा करता है, बच्चे को बड़ा करता है, लेकिन माता का खून अगर आपने पी लिया तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा ही हिंदुस्तान की शिक्षा का हाल है। इसे शिक्षा स्वराज की तरफ से जब आपको निमंत्रण गया तो आशा यही थी कि आप सब मिलकर के देश के अलग अलग इलाके से शिक्षा कैसी दिखाई पड़ रही है उस पर एक साझेदारी का, एक सहयोग का माहौल बनाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी आंदोलन की एक बड़ी खराबी यह भी है आप उसमें दो बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। एक दरार तो राजनीतिक दलों के कारण है, विद्यार्थी असंतुष्ट है, लेकिन अगर ये झंडा किसी एक दल ने राज्य में उठा लिया तो बाकी सब केंद्रों की तरफ से उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए छात्र संघों की तरफ से पहल होने के बावजूद आंदोलन नहीं बन पा रहा था। मैं बधाई देना चाहता हूं आज कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने भतीजे के सवाल पर यूजीसी पर कब्जा कर लिया है और वो कब्जा तब तक रहना चाहिए जब तक कि वो उनके साथ जो अन्याय है वो दूर न हो। लेकिन बाकी जगह राजनीतिक दलों की दरारें हैं, एबीवीपी से लेकर के एसएफआई तक, एमएसवाई से लेकर के आईसा तक विद्यार्थियों के संगठन तो हैं, लेकिन शिक्षा स्वराज का ये शिखर संवाद महसूस करता है कि विद्यार्थी एकता को वापस हासिल करना पड़ेगा। दूसरी कमी जो विद्यार्थी शक्ति को राजनीति की ताकत बदलने से रोकती है आज, वो है क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता। बड़ी मुश्किल की बात है कि विद्यार्थी पर लाठी पड़े तो विद्यार्थी ये पूछते हैं किस जात का विद्यार्थी बेटा, किस धर्म का विद्यार्थी बेटा, लड़की का दुपट्टा छीना गया या लड़ने के साथ अन्याय हुआ, और उसके बाद फिर आपके सोच में एकता की बजाय अनेकता का भाव आ जाता है। शिक्षा स्वराज इस एकता के निर्माण के लिए ये शिखर संवाद कर रहा है कि आप मूलतः विद्यार्थी हैं, आपकी जाति का फासला, आपके धर्म का फासला, आपका लिंग भेद आपके आगे आ रहा है, इसलिए इस हॉल के बाहर तो आप आए तो जाने का नारे लेके आए होंगे, लेकिन जब यहां से बाहर निकले तो विद्यार्थी एकता जिंदाबाद के नारे के साथ आपको बाहर जाना चाहिए। वो आंदोलन कभी सफल नहीं होते हैं जिसमें एकता नहीं होती है, एक दृष्टि, एक निशाना और एक जमात। और जिस भाव से मैंने सुना, आप जानते हैं हम इसे बहुत से लोग विद्यार्थी आंदोलन की पैदाइश है, हम लोगों को बनारस से लेकर दिल्ली तक सत्ता प्रतिष्ठानों से टकराने का मौका मिला है, लेकिन हमारी पीढ़ी ने ऐसी समस्याएं आपके सामने पैदा कर दी कि आज आपको फिर से विद्यार्थी एकता बनानी पड़ेगी, आपको फिर से विद्यार्थी एजेंडा बनाना पड़ेगा और उसी में से फिर रोजगार की लड़ाई भी निकलेगी। रोजगार की लड़ाई बेरोजगार नहीं लड़ पाएगा क्योंकि वो तो घर में भी पिट रहा है, बाहर भी पिट रहा है। रोजगार की लड़ाई वही लड़ पाएंगे जो आज तो विद्यार्थी हैं, कल के बेरोजगार होने वाले हैं, कल के खतरे को रोकने के लिए आप ही लड़ पाएंगे। और अगर आपने लड़ाई शुरू कर दी तो बेरोजगार नौजवानों की ताकत भी आपके साथ जुड़ जाएगी। अब हमने क्या सुना, इसको समेटा जाए। हमने ये सुना कि हिंदुस्तान के शिक्षा प्रबंधन में जो बुनियादी कमियां हैं उससे भारत का स्वराज बड़बड़ा रहा है, जैसा डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी ने कहा कि इस देश को बनाने के लिए हम सब साझेदार हैं, लेकिन हमारे हिस्से का देश हमसे चीन के कोई और ले जा रहा है क्योंकि शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे मित्रों ने पिछले 3 महीने में मई से काम शुरू हुआ, इलाहाबाद में हमारे साथी प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने जिनको विश्वविद्यालय शिक्षा, स्कूल शिक्षा और शोध
तीनों में काम करने का, अगली कतार में आकर के काम करने का मौका मिला है। उन्होंने इलाहाबाद में निवेदन किया था इस पीढ़ी को कि हमको क्या चाहिए इसको सोच लीजिए, हमको समान शिक्षा चाहिए, लेकिन समान का मतलब यह ना हो कि सब जगह निरक्षर भ्रष्टाचार के भाग चले और हम सब आपको गड्ढे में गिरा दें। समान के साथ सार्थक शिक्षा चाहिए। सार्थक का मतलब यह हुआ कि वो आपके लिए काम आए, आपके भविष्य के लिए काम आए, आपके देश के लिए काम आए और सबसे ज्यादा इंसानियत के काम आए। और सहज सुलभ शिक्षा चाहिए। नन्हे नन्हे पांव 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाते जाते थक जाएंगे। 11 साल 12 साल की बेटियों को 10 किलोमीटर दूर के स्कूल में तो जाने नहीं देगा, कम से कम गांव में नहीं जाने देगा। गरीब घर के बच्चों को सहज शिक्षा के लिए आदिवासी बच्चों को एकल विद्यालय नहीं चाहिए, बिना टीचर बिना शौचालय का विद्यालय नहीं चाहिए, लेकिन सहज सुलभ तो चाहिए। तो अगर हमारा लक्ष्य समान सार्थक और सहज शिक्षा है, सुलभ शिक्षा है, तो उसमें हमने क्या सोचा है, हमें क्यों चाहिए शिक्षा, ये भी तो सवाल होना चाहिए कि पढ़ना ही क्या जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है देश के नौजवानों को, पढ़ाना इसलिए जरूरी है और अच्छा पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि शिक्षा से एक साथ चार चीजें करनी है। पहले तो चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण करना है, जिसको आपने कहा नागरिकता निर्माण करना है। शिक्षा ऐसी बनानी है कि आज के जो बच्चे हैं कल के आदर्श नागरिक बने। हिंदुस्तान में अभी नागरिकता निर्माण अधूरा है। हमारे संविधान और हमारे अपने सपनों में बहुत टकराहट है। चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण के साथ शिक्षा को जो दूसरा काम करना है वो भविष्य निर्माण का काम करना है, यानी वो शिक्षा जो कल हमारी दाल रोटी में भी काम आए। 1 करोड़ का पैकेज मिले ये गलत है, लेकिन हमारी अपनी जरूरतों के लिए जो हमारे पास ऋण है, माता पिता का ऋण, देश का ऋण, मानवता का ऋण, उसको उतारने लायक शिक्षा मिले। तीसरा काम है जो जरूरी काम है, जो 200 साल की गुलामी के कारण पिछड़ गया, वो शिक्षा का काम है। ये शिक्षा राष्ट्र निर्माण के काम आए। हम आते हैं अलग अलग परिवारों से, अलग अलग जातों और जमातों से, लेकिन जब कॉलेज से बाहर निकले, विद्यालय से बाहर निकले, तो हमारी एक पहचान बने, सबसे बड़ी पहचान बने कि हम भारत माता के बेटे और बेटियां हैं। हमारी जाति, हमारा परिवार, हमारा धर्म हमारे साथ में है, लेकिन उससे ऊपर की एक एकता की पहचान बने और वो राष्ट्र निर्माण। और उससे भी बड़ी बात है मानवता निर्माण। ये समाज, ये मानवता कला नहीं है, रंग भेद है, धर्म भेद है, वर्ग भेद है, राष्ट्रीयता का भेद है। मानवता की एकता को बनाने वाली नई पीढ़ियां भी आगे आएंगी, हमें तो जाने कहां खड़ा लगता है। तो साथियों को ये चार काम करने वाली शिक्षा चाहिए। तो मानी बात है जो उसकी जो मौजूदा 5 बाधाएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा, जिसका आपने जिक्र किया और जो हमने सुना। पहली बाधा, बहुत बड़ी बाधा, पैसे की है। शिक्षा और हमारे बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और उस खाई को पूरा करने के लिए एक ही उपाय आज दिखाई पड़ रहा है और वो है पैसा। जब पैसे के आधार पर शिक्षा का बंटवारा होगा तो भविष्य में इस हिंदुस्तान में अमीर और गरीब की लड़ाई को, वर्ग संघर्ष को, आदिवासियों, दलितों, गांव वालों की तरफ से शहर के प्रति नफरत की भावना को, इस देश के प्रति गुस्से की भावना को रोक नहीं सकेगा। अभी तो हिंदुस्तान के 750 जिलों में से 700 जिलों में से 150 जिलों में हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं चल रही है। उग्रवाद है, अलगाववाद है, आतंकवाद है। अगर ये शिक्षा ऐसे ही जारी रही, वर्गभेद की शिक्षा, पैसे के जरिए भविष्य को तय करने वाली शिक्षा, पैसे के जरिए रिजर्वेशन करने वाली शिक्षा, तो 300 साल हिंदुस्तान आज से 10 साल के अंदर बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। और उसको रोकने के लिए शिक्षा के अंदर राज्य का निवेश चाहिए, समान शिक्षा चाहिए। और मैंने तो नहीं सुना किसी का मतभेद कि सारी शिक्षा सरकारी हो जाए, लेकिन कम से कम शिक्षा पर समाज का तो नियंत्रण हो। और इसके लिए किसी बेटे
अपने को यह भावना नहीं महसूस करना चाहिए कि हाय हम गरीब माँ बाप के घर में क्यों पैदा हुए। हर एक को अपनी माँ प्यारी होती है, अपना पिता आदर्श लगता है, लेकिन अगर उसकी गरीबी के कारण उसके निकाल से वो गिर गया तो आप इस देश को बेईमान बनाने से रोक नहीं सकते। लोगों को लगेगा कि जिंदगी का मतलब पैसा है, चाहे सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो, और देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हमको वर्गभेद से मुक्त शिक्षा चाहिए। दूसरी बाधा हम सब जानते हैं, कहना नहीं होगा, गांव और शहर का मामला है। जो गांव में पैदा हुआ उसके मन में एक जलन, एक कुंठा, एक चिंता शिक्षा व्यवस्था पैदा कर रही है, क्योंकि जब वो मुकाबले में आगे आते हैं हाई स्कूल के बाद तो उनको लगता है कि हमारा कमाई होना, हमारे बोलने में उड़िया, पंजाबी, मैथिली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु का स्वर आ जाना गर्व की बजाय पराजय का कारण बनता है। तो कुछ विश्वविद्यालयों में तो गांव के हाई स्कूल करने वाले को वेटेज मिलता है, प्राथमिकता मिलती है। मैं नाम नहीं लूंगा उन विश्वविद्यालयों का, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन अच्छे प्रयोगों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तो दूसरी बाधा गांव की है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के गांव की शिक्षा को हिंदुस्तान के शहरों की शिक्षा के बराबर किया जाए, वरना न तो आरक्षण का फायदा मिल पाता है गाँव वालों को, न प्रगति का फायदा मिल पाता है, न विकास का फायदा मिल पाता है। और हिंदुस्तान अभी भी दो तिहाई गांव में रहता है। बंबई, दिल्ली, बंगलोर, तमिलनाडु, चेन्नई वालों को गलतफहमी होती है कि हिंदुस्तान यहाँ रहता है, हिंदुस्तान वहां रहता है, थोड़ा रहता है। 65% लोग आज भी गांव में जन्मते हैं, वही शिक्षा पाते हैं, और उसको हमने बटे खाते में डाल दिया है। तीसरा भेद यहाँ पर सम्मेलन में कम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई बेटियों ने भाषण दिया, लेकिन लिंग भेद है। शिक्षा के मामले में बेटियों के साथ परिवार से लेकर के विद्यालय तक असमानता का भाव है। कुछ जगहों पर आज जेंडर वेटेज दिया जा रहा है, सारे हिंदुस्तान में बेटियों को पढ़ने के लिए आगे आने के लिए जेंडर वेटेज देना पड़ेगा, जिससे कि बेटियों की पढ़ाई में विलक्षणता में हमारी मनाली में हम जीत सके। केरल को छोड़कर के, तमिलनाडु को छोड़कर के, कुछ राज्यों को छोड़कर के शिक्षा के मामले में सारा हिंदुस्तान महिलाओं के साथ भेदभाव का दोषी है, और ये दोष दूर करना शिक्षा स्वराज का संकल्प होना चाहिए। इन भेद के साथ साथियों एक ऐसा भेद है जिसके बारे में इस बात में कई लोग बहस करेंगे, लेकिन शिक्षा में 35 साल अध्यापक रहने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा हम लोगों की बात पर भी भरोसा करिएगा। आज भी हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक विद्यालय के ऊपर की शिक्षा में जाति और धर्म का भेद है, क्योंकि जो गरीब है उससे ज्यादा कुछ मामन ठाकुर होंगे, लेकिन ज्यादा दलित आदिवासी है, आदि पिछड़े हैं। और धर्म के मामले में भी कुछ मुसलमान सैयद पठान खान साहबान, इनके बच्चे अच्छी शिक्षा के हकदार बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर दस्तकार हैं, छोटी जोत के किसान हैं, और छोटी जोत के किसान अगर बड़ी जाति नहीं है तो उनके साथ भी ये समस्या है। और जाति और धर्म की बाधा हमको अपने धर्म और जात को लेकर के नाराज करती है, और ये देश की एकता को तोड़ती है। तो साथियों उसको भी कैसे दूर करेंगे, कुछ प्रयोग चल रहे हैं, कुछ के सकारात्मक परिणाम है, कुछ को लेकर के ईर्ष्या है, लेकिन उसको भी समझदारी के साथ एकता के साथ समाधान करना होगा। और आखिरी बात इसकी चर्चा बार बार हुई, क्योंकि ये हिंदी इलाके से ज्यादा लोग आए हैं, थोड़े पंजाब वाले हैं, कुछ दक्षिण भारत के भी साथी यहां बैठे हैं, लेकिन भाषा की समस्या है। अंग्रेजी को अंग्रेजों ने हमको पेश किया, भारत से अंग्रेज जाएगा तो अंग्रेजी का वर्चस्व खत्म होगा, इसका वादा गांधी से लेकर के सुभाष बोस, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण सबका था, लेकिन भूमंडलीकरण ने पूंजीवाद में अंग्रेजी को फिर से एक नई ताकत दे दी है। आज अवसर का दरवाजा अंग्रेजी से खुलता है, अंग्रेजी की क्या से खुलता है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं मिली तो आपके लिए जिंदगी के बहुत से दरवाजे कभी खुल नहीं पाते। क्या किया जाए, उर्दू में, तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी में, हिंदी में, बंगाली में, हम रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के फिराज गोरखपुरी और सैयद अहमद फैज से तो पढ़ सकते हैं,
तिरुवनंतपुरम और सुब्रमण्यम भारती को तो स्पर्श सकते हैं, लेकिन सुपर शाली गाली नौकरियों में अंग्रेजी सच हो गई है। इस पर एक बड़ा जबरदस्त षड्यंत्र चल रहा है जिसने हमने कह दिया जाओ पढ़ाना है तो अपने बच्चों को तमिल में पढ़ाओ, तेलुगु में पढ़ाओ, हमको कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन नौकरियां हम उन्हीं को चाहिए, सुपर नौकरियां जो अंग्रेजी में पढ़ के आते हैं। हम सब यूपीएससी में जाते हैं नौकरियों के इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए, लड़का लड़की बुलाया जाता है, अनुवादक बाहर बैठे जाते हैं, लेकिन पिछले कई साल से कई बार जब मैं गया अनुवादक को बुला लिया, लड़की ने बोलना शुरू किया तमिल में, लड़के ने बोलना शुरू किया हिंदी में, उत्तर सही थे, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो ये पुराने जो खुर्रा इस व्यवस्था के ठेकेदार बैठे जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, हम लोग के साथ वो कहते हैं हमारी आंखों में आपने डाल के कहते हैं सर छोड़ दीजिए इसको, इसको तो अपनी ड्यूटी करने में डबल टाइम लगे, ये पूर्वाग्रह है कि अंग्रेजी में जो काम करता है अंग्रेजी जो जानता है उस देश को बेहतर चलाएगा। अगर यही सच होता तो हिंदुस्तान आज अंग्रेजी चलाने वालों की तरफ से पिछले 7 साल से है और हिंदुस्तान दलदल में फंसा हुआ है भ्रष्टाचार के, हिंदुस्तान फंसा हुआ है गरीबी में बेरोजगारी में, और हिंदुस्तान पर जो लहर खाते हैं और ये सब उर्दू वालों ने तमिल वालों ने पंजाबी वालों ने नहीं किया, ये अंग्रेजी ने राज चलाने वालों ने किया, इसको बदलना पड़ेगा, इसको सोचने का रास्ता बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की और उससे हमारे जैसे कुछ ही लोग आगे बढ़ पाए, बहुत से लोग पीछे रह गए, इसलिए आपको भाषा के बारे में संगीत के साथ रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे आप आगे बढ़े, आपकी रणनीति में पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, आगे जाने का होना चाहिए। साथियों बात को खत्म किया जाए, ये कैसे होगा, इतना खुला सच है, लेकिन इस सच को ढकने के लिए तमाम लोग तैयार हैं, हमारे अंदर मीर जाफर और जैसल ज्यादा है क्योंकि जो खुद इन आंदोलनों से पैदा हुए थे और बाद में जब मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया, हमारा साथ छोड़ दिया, इससे बुरा हुआ गलत हुआ क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया, अपने बच्चों को मसूरी नैनीताल शिमला में पढ़ाया, जब पढ़ते थे काफी बोली लेकर के तब पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं, अब उनकी हमदर्दी नहीं रहेगी, और अफसर साहब उद्योगपति उनसे कोई मतलब नहीं मत करिएगा, हमें से कुछ लोगों को देश और विदेश में पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला है। हिंदुस्तान का जो अभिजात वर्ग है संपन्न वर्ग है वो अपने बच्चों को हाई स्कूल इंटर के बाद विदेश पढ़ने के लिए भेजता है, उसको हिंदुस्तान की पढ़ाई व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है, चले तो चले और डूबे तो डूब जाए, इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आपका धुलकारा बनना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो जज की बेंच नियुक्त की थी वो पढ़े लिखे लोग, वो देशभक्त है, वो विदेशी एजेंट नहीं है, वो पार्टियों के वर्कर नहीं है, और उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षा को आगे बढ़ाना है और शिक्षा के जरिए देश को आगे बढ़ाना है तो सबके बच्चों को खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना चाहिए, तभी वो सुधरे का वर्णन 7 साल में सुधर गया होगा। तो या तो आप मंत्री बनिए नहीं, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा विधायक बनने के लिए, किसी हकीम ने कहा आयुष बनने के लिए, और अगर आप मानते हैं तो सरकारी स्कूल में जाइए और अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में जाइए, तभी जाकर के लोकतंत्र पूरा होगा, तभी जाकर के स्वराज पूरा होगा, वरना पहले से पहले चले जाइए। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो सरकारी शिक्षा को सुधारने के लिए अपने बच्चों को वहां भेजना चाहेंगे, वो देशभर के लोग हैं, सब फायर नहीं है, सब देशद्रोही नहीं है, लेकिन इससे कोई एक मजबूत अंदर की तरह से पांव दिखाना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी बात तो है ये किसी ने कहा भी कि शिक्षा को सस्ता करो, हो सके तो मुफ्त करो, ये बात 1966 से कही जा रही है, 66 से 2015-16 50 साल आधी शताब्दी बीत गई उठाने कमीशन रिपोर्ट के आने के बाद, कांग्रेसी सरकार तो कांग्रेसी सरकार, ये जो भाजपा की सरकार आई है इसने भी शिक्षा का बजट बढ़ाने के बजाय घटा दिया है, हालांकि जब विरोध में हमारे साथ होते थे तो कहते थे कि शिक्षा में खर्चा 6% होना चाहिए, तो समझ लीजिए वचन भंग का मुद्दा है, इन्होंने शिक्षा का खर्चा नहीं बढ़ाया, तो शिक्षा पर खर्चा बढ़ेगा तभी व्यवस्था सुधरेगी, और शिक्षा पर खर्चा कैसे बढ़ेगा,
जब हम और आप उनका विरोध करेंगे, उनके शासन का विरोध करेंगे, ये अच्छी बात है कि हम लोकतंत्र में हैं, हमारी आवाज का दम है, लेकिन आवाज अगर मजबूत होगी तभी दम होगा। साथियों, आपको विद्यार्थी आंदोलन की परंपराओं से निकले हुए हम लोग, शिक्षक आंदोलन में शामिल रहे हम लोग, चार बातों को कहना चाहते हैं आपके रिपोर्ट जिसे कि समाधान के लिए आप तैयार हो जाए। और आपसे मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग विद्यार्थी थे 60 और 70 के दशक में, तब भी इस तरह के संवाद कभी कभी होते थे। इतना बड़ा, इतना विविध, इतना अच्छा संवाद बहुत ही बात देखने का मौका मिला है। इसलिए विश्वविद्यालय सही हो गई है, शुरुआत अच्छी है, नवाचार भी अच्छा होना चाहिए। पहली जरूरत है किसी भी आंदोलन के लिए बड़ा सपना, छोटा सपना होगा तो आंदोलन छोटा रह जाएगा। आपका सपना क्या हो ये दूसरों को भी मालूम होना चाहिए, इसलिए आपका दस्तावेज होना चाहिए, स्पष्ट प्रस्ताव होना चाहिए जो अन्य विद्यार्थियों को वेबसाइट के जरिए पढ़ने का मौका मिले। सपने के बाद दूसरी बात है संवाद। इस शानदार सम्मेलन की सफलता के लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। फिर ऐसा आपको समझ लेना कि सारा हिंदुस्तान यही बैठा है, आपके पास थोड़ा संवाद का धीरज होना चाहिए। अगले साल भर के अंदर हिंदुस्तान में इस राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद अगर आपने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य पांच क्षेत्रीय संवाद करने में सफलता पा ली तो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा और उधर पढ़ना पड़ेगा संवाद। और यह संवाद नीचे भी जाना चाहिए, डीएवी कॉलेज में जाना चाहिए, जामिया मिलिया जाना चाहिए, कस्ते में जाना चाहिए। कहना आसान है, करने में बड़ी कठिनाई होती है। अभी किसानों के लिए हम लोग निकले थे, पसीना छूट गए, जबकि किसान चारों तरफ है, गांव में पैसा मिल रहा है और मिल रही है। विद्यार्थी को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि विद्यार्थी आंदोलन के साथ इतना धोखा हुआ है। यहाँ विद्यार्थियों से कहो इकट्ठा होगा और बदल देंगे तो कहें यहाँ कुर्सी बदल जाएगी, तुम में से कुछ और विधायक, सांसद और मंत्री बन जाएंगे, हम लोग की हालत नहीं बदलने वाली। तो इस समय मोह भंग का माहौल है, विश्वासघात का माहौल है, संवाद की जरूरत है। तीसरा कदम संगठन। अगर आज आपने एक एक्शन कमेटी बना ली 20-25 लोगों की, उसमें विद्यार्थियों के अंदर जो विविधता है, छात्रों के साथ छात्राएं होनी चाहिए, शहरी विश्वविद्यालयों के साथ गांव के कॉलेज के लड़के लड़कियां होने चाहिए, बड़ी कक्षा में पढ़ने वाले एमएससी पीएचडी वालों के साथ बीएचडी वालों को होना चाहिए। एक स्टेयरिंग कमेटी, एक एक्शन कमेटी जो खुली हो, सची हो, जो छूट गया उसको लाने की गुंजाइश है, लेकिन कुछ होना चाहिए जिससे काम बढ़ सके। और ना फिर ये जिम्मेदारियां उन पर आ जाएंगी जो बेचारे पिछले 15 दिन से आप कहां ठहरेंगे, आप कहां बैठेंगे, आपका इंतजाम क्या होगा, आप कैसे बोलेंगे, यही करते रहे जैसे भाई की या बहन की शादी का इंतजाम हो, फिर इनकी जिम्मे आ जाए। इसलिए अपना समय देना पड़ेगा। कोई भी आंदोलन जैसे हाथ पर दही नहीं जमता, ऐसे आंदोलन की सभाओं से नहीं होता, उसके लिए समय देना पड़ता है। और आप में से तय करना कि 23 घंटा तो अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन रोज में से 1 घंटा यानी हफ्ते में से कुल 7 घंटा इस आंदोलन के लिए देना, नहीं तो शिक्षा स्वराज आकाश मंथन से रह जाए। हम आपको ये भी कहना चाहते हैं गैर जिम्मेदार लोगों की तरह से, देश के लिए कुर्बानी करो, शिक्षा के लिए कुर्बानी करो और हम बन जाएंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ना, गलत बात होगी। हम चाहेंगे कि आप अपने दोनों पांवों पर मजबूती से शिक्षा व्यवस्था में खड़े रहना, टिके रहना, इसका इस्तेमाल करना, अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ना, पढ़ो पढ़ाई लड़ने के लिए। मेरे दोस्त यहां बैठे हैं अत्यंत प्रताप लाल बहादुर, इन्होंने नारा दिया था, हमारा आज फिर मौसम हो गया, पढ़ो पढ़ाई लड़ने को और लड़ो लड़ाई पढ़ने को। हमारी लड़ाई पढ़ाई के लिए है, पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, और हमारी पढ़ाई लड़ने के लिए है, लड़ने के खिलाफ नहीं है। साथियों, आखिरी बात भी होगी संगठन के बाद संसाधन। यहाँ पर अब निगाह मेरी तरफ आएगी, डॉक्टर धर्मवीर गांधी के पास आएगी। ये नौजवान अपना समय दे सकते हैं, अपनी ताकत दे सकते हैं, अपनी ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन पैसा तो इनके पास नहीं, कोष बनाना पड़ेगा और उस कोष में हमको योगदान करना पड़ेगा जो इस आंदोलन के समर्थक है, इस व्यवस्था के परिवर्तन का सपना देख रहे हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं, तो संसाधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और संसाधन में खाली पैसा नहीं होगा, इस तरह के बीच जाने वाले होंगे, बढ़िया छोटी छोटी फिल्में होंगी, नई टेक्नोलॉजी होगी, छोटी पुस्तिकाएं होंगी,
तब जाकर के संसाधन का पूरा मतलब बनेगा। और आखिर में संघर्ष का एक कार्यक्रम विगुल बजा दो, लेकिन समय लीजिए देश को जगने के लिए। जो विगुल बजाता है या बजाती है वो इंतजार करते हैं, ऐलान करते हैं, समय देते हैं। आप भी घबराना नहीं, वक्त बिल्कुल नहीं, ये सही बात है, लेकिन वक्त इतना तो है कि हम दोस्तों को पुकार सके, उनको जोड़ सके, और जोड़ने के बाद कदम से कदम मिला करके। बहुत दूर नहीं है शिक्षा मंत्रालय राज्यों के और केंद्रों के, राजधानी का भी बहुत दूर नहीं है। सात समुद्र पार जाके लड़ना नहीं है, अपने सुबह में लड़ना है, अपने शहर में लड़ना है, अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय में लड़ना है। इस लड़ाई में आपकी जीत हो, इस सामना के साथ हम अपनी बात करते हैं।